दुकानों की जांच के साथ ही लोगों को भी बचाव की सलाह दी जा रही है। 10 से ज्यादा स्थानों पर फलों के रस, कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम के सैंपल की जांच की गई है। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनीष स्वामी ने बताया कि जांच के साथ लोगों को जागरूक करना भी हमारा उद्देश्य है। खाद्य विभाग के साथ ही नगर निगम की टीम भी दुकानदारों की जांच करने के साथ ही गड़बड़ी पाए जाने पर दूषित फल व रस नष्ट करवाने के साथ जमीनी कार्रवाई भी कर रही है, जो लगातार जारी होगी। लेकिन ग्राहक का अगर जागरूक होंगे तो दुकानदार चाहकर भी ऐसी गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। बिना छीले गन्ने का रस ना पिए, गन्ने की खेती के दौरान फसल को बीमारियों से बचाने के लिए उस पर कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है। यदि उसे छीले बिना ही रस निकला तो गन्ने पर लगा केमिकल भी रस में शामिल हो जाएगा, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। जूस को ठंडा करने और उसकी मात्रा बढ़ाने के लिए अक्सर उसमें बड़ी मात्रा में बर्फ डाला जाता है। ये बर्फ किसी पानी से तैयार किया गया और कारखाने से जूस सेंटर तक किस तरह पहुंचा उसे स्टोर किया जा रहा है। इन सब के बीच बर्फ के अनहाइजेनिक होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है, जो बीमारियों का कारण है। जांच में कई बार ये सामने आ चुका है कि दुकानदार ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए मंडी से खराब फल सस्ते दामों पर खरीदते हैं और उनमें ज्यादा शक्कर और रंग मिलाकर रस तैयार करते हैं। अच्छे रंग का रस देखकर लोग उसे शुद्ध फलों का रस समझकर पी जाते हैं और ये नुकसानदायक होता है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।